हेलो एवरीवन, मीना की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ओट्स और लोबिया दाल की टिक्की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये टिक्की कम तेल मसाले में बनाई जाती हैं, इनको वेट मैनेजमेंट में भी शामिल किया जा सकता है। मैंने यहाँ पर कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो उसके अंदर डालेंगे 250 ग्राम ओट्स और अब हम इसको करछी की सहायता से चलाएंगे और इस ओट्स को हमें लगातार चलाते रहना है ताकि यह ओट्स हमारा नीचे से जले नहीं। सिर्फ हमें ओट्स इतना भूनना है कि सिर्फ इसका कच्चापन निकल जाए। देखिए हमारा ओट्स का कलर भी हल्का हल्का चेंज हो गया है और इसको मीडियम फ्लेम पर हमें भूनना है। हमारा ओट्स यहाँ पर अब भूनकर तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। और तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने ओट्स को प्लेट में निकाल दिया है तो अब इसको हम ठंडा होने देते हैं। मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार ले लिया है तो उसके अंदर डालेंगे 50 ग्राम धनिया हरा वाला, 50 ग्राम हरी मिर्ची। आप यहाँ पर मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। 6 से 7 गार्लिक, 1 इंच जिंजर का टुकड़ा, 1/2 लेमन जूस, स्वाद अनुसार नमक और 1/2 टेबल स्पून जीरा। यहाँ पर जीरे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसको पीस लेते हैं। हमारी चटनी यहाँ पर पीस कर तैयार हो चुकी है। अब इसको एक बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। हमारा ओट्स यहाँ पर अब ठंडा हो चुका है तो अब ओट्स को हम हल्का दरदरा ही पीसेंगे, ना कि हम बिल्कुल महीन पीसें। अब ओट्स को हम मिक्सर जार के अंदर ट्रांसफर करेंगे। हमने सारे ओट्स को एक साथ में इसी डाल दिया है और इसको हल्का दरदरा पीस लेते हैं। बिल्कुल ज़्यादा नहीं, महीन नहीं करना है। हमारा ओट्स पीस कर तैयार हो चुका है और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम लोबिया दाल ले ली है तो उसको हम पहले से ही उबाल लिया था हमने। इसको भी हम हल्का दरदरा ही पीसेंगे, बिल्कुल महीन नहीं पीसना है। जैसे कि कुछ दाने साबुत रह जाएं, कुछ पिस जाएं, ताकि टिक्की में हमारे में दाल का स्वाद आए। ये देखिए हमने इस तरीके से लोबिया दाल को पीस लिया है और उसी ओट्स वाले बाउल के अंदर डाल देंगे, मतलब निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे यहाँ पर 2 ऑनियन चॉप्ड, 2 शिमला मिर्च चॉप्ड, 3 ग्रीन चिली चॉप्ड, 1 इंच जिंजर टुकड़ा चॉप्ड, 5 से 6 गार्लिक चॉप्ड, 1 खीरा हमने ले लिया है जिसको कद्दूकस के करके डाल दिया है हमने। अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1/4 मतलब 1 टेबल स्पून अजवाइन, 2 पिंच हींग और कोरिएंडर लीव्स। और अब हम इनको अच्छे से धीरे धीरे करके हम मिक्स करेंगे। इट्स ओट्स और दाल का अच्छे से रोटी जैसा डो लग जाएगा। देखिए हमारा रोटी जैसा डो लग चुका है ओट्स और दाल का।
हमारा यहाँ पर डो लगकर रोटी टिक्की वाला तैयार हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर टिक्की बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हाथ को ग्रीस ऑयल कर लेंगे और एक छोटा सा पेड़ा तोड़ेंगे और रोल करके बीच में से ऐसे दबा देंगे, हाथ की सहायता से प्रेस कर देंगे और इस टिक्की को उंगली और अंगूठे के बीच में लेकर के इस टिक्की को घुमा देंगे ताकि इसके किनारे दब जाएं। यहाँ पर हमारी टिक्की एक बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम दूसरी टिक्की भी इसी तरह बनाएंगे। पहले रोल करेंगे, फिर बीच में से प्रेस करते रहेंगे हथेली की सहायता से और चारों तरफ से इसको दबा देंगे किनारे। हमारी दूसरी टिक्की भी अब तैयार हो गई है। हमने यहाँ पर 5 टिक्कियाँ बना ली हैं और कढ़ाई को अब गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है तो उसके अंदर डालेंगे 2 से टेबल स्पून ऑयल। अब तेल हमारा गर्म हो गया है तो उसके अंदर हम टिक्कियाँ छोड़ेंगे। बारी बारी से हम टिक्की छोड़ देंगे 2 से 3, आप अपनी सुविधा अनुसार 2 या 1 छोड़ सकते हैं। इन टिक्कियों को आप तवे पर भी बना सकते हैं। जो लोग तेल खाने से परहेज करते हैं तो वो इनको बगैर तेल के भी तवे पर या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अब हम इन टिक्कियों को पलट देते हैं बारी बारी से। देखिए हमारी टिक्की एकदम से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। ये टिक्कियाँ लगभग 7 से 10 मिनट में पककर तैयार हो जाएंगी। अब हम दोबारा से फिर से पलट देते हैं। यहाँ पर हमारी टिक्की अब सिककर तैयार हो चुकी हैं तो अब हम टिक्कियों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर बारी बारी से टिक्कियों को निकाल लिया है। एकदम से टिक्की हमारी क्रिस्पी बनी हुई है। ये देखिए रेडी एकदम से टिक्की हमारी। अब हम उसी तरह टिक्कियाँ फिर से कढ़ाई के अंदर छोड़ेंगे धीरे के धीरे करके, जैसे हमने पहला बैच सेका था उसी तरीके से इस बैच को हम सेक लेंगे। ये देखिए अब हम इनको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम सर्विंग प्लेट तैयार करते हैं। ये देखिए, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।